अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो है। इस बार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं फारूक आजम, अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद फारूक आजम का दर्जा है। उनकी जिंदगी के वाकयात दिलचस्प तरीन अंदाज में सुनिए, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाकयात भी आप सुनेंगे जो अक्सर किताबों में शामिल नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं फारूक आजम, पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं, उनके लिए अज्र और नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान पर हक जारी कर दिया है। वो फारूक है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फर्क किया। जमाते अस्हाब रोशन सितारे हैं, आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले चार अस्हाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। आज हम आपको अनोखी खुसूसियात वाले इंसान की कहानी सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। गोया उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत अता हुई। उनमें से एक सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु हैं, अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद यारे गार सैयदिना अबू बकर के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत दूसरे खलीफा राशिद सैयदिना उमर फारूक ही को हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए से कुव्वत और इज्जत दे। उनके जमाने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैल गई। बाज मौकों पर उनकी ताईद में आयात नाजिल हुई। उनकी खिलाफत का जमाना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का जमाना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त शहर से बाहर गर्म जमीन पर कोई पत्थर वगैरह सर के नीचे रखकर कैलूला कर लेते थे। उनके वाकयात इस कदर हैरत अंगेज हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे, जबकि खुद उनका ये हाल था कि जिस्म पर खुरदरा लिबास होता था। आप यकीनन उनकी जिंदगी के अनोखे और आप पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन आज आप पढ़ने की बजाय सुनकर देखें, आपको एक अजीब सा फरहत बख्श एहसास होगा। सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा, कुनियत अबू हफ्स थी, लकब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लकब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आंख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी करीम बनु हाशिम से थे, अबू बकर बनु तैम से और उमर फारूक बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के सपुर्द अलग अलग काम थे। मसलन कोई खाना काबा की देखभाल करता था तो कोई हाजियों को पानी पिलाता था, कोई झगड़ों के फैसले करता था। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे, कुरैश को कोई एलची भेजना होता तो ये भेजते थे, दूसरा काम ये था कि 2 ग्रोहों में झगड़ा हो जाता तो बनु अदी का सरदार फैसला करता था। बनु अदी के घर सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। उमर यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिद खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, खत्ताब फौत हो चुके थे।
سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا، اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں حیثیت کے مالک تھے، مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ ڈٹ کر مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے۔ ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے،
वाह, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खब्बाब बिन अरद भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, इलाही अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने कहा, मुझे मुहम्मद के पास ले चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। उमर रजी अल्लाहु अन्हो खब्बाब बिन अरद के साथ कमर से तलवार लटकाए वहां पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने अंदर से एक झरी में से झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, बाहर उमर तलवार कमर से लटकाए खड़े हैं, न जाने किस इरादे से आए हैं। आपके चचा सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी उस वक्त वहां मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे। फौरन बोले, उन्हें अंदर आने दो, नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्हें आने दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया, उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े, उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाह अकबर फरमाया, बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाएं? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से दो सफे बनाकर निकले और काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सबने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने यह देखा तो तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा, जब उमर तन्हा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। आखिर काफिर उन्हें छोड़कर पेश आया। ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्के में रहे, फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। ऐसे में कुफार को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्के से जा रहा हूं, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई आगे ना आया। इस तरह आप कुबा पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हिजरत करके वहां तशरीफ लाए। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सबने मदीने का रुख किया। हिजरत के वक्त सैयदना उमर फारूक की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे। ये सारा जमाना मदीने में गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो इदवान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान इन्हें दे दिया। अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में आजान के अल्फाज सुने। उन्होंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया, अजान कहें। जो ही उन्होंने अजान शुरू की, सैयदना उमर फारूक अपनी चादर घसीरते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए। आज तक अजान इन्हीं अल्फाज में दी जा रही है और क्यामत तक दी जाती रहेगी। हिजरत के दूसरे साल बद्र की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर फारूक भी इस गजवे में शरीक हुए। इस गजवे में उन्होंने एक नामी बहादुर आस बिन हिशाम को कत्ल किया। ये रिश्ते में उनका मामू था। अगले साल उहद की लड़ाई हुई। सैयदना उमर उस लड़ाई में भी शरीक हुए।
بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے پانچویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر نے بھی خندق کھو دی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گراں گزرا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی۔ پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے ساتویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ذیقعد 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے دو آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں۔ لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجت الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو
इस्लामी लश्कर का सिपाह सालार मुकरर किया और हुक्म दिया कि जाकर रूमियों से मूता की लड़ाई का बदला ले। मूता की लड़ाई हिजरत के 8वें साल में हुई थी। इसमें उसामा के वालिद जैद और बहुत से सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए थे। चुनाचे आपने ये लश्कर रवाना फरमाया। इसमें बड़े बड़े सहाबा के साथ सैयदना उमर भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु को आपकी वफात का यकीन ही नहीं आता था। वो ये ऐलान कर रहे थे, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के समझाने पर यकीन आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत के मसले पर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो उस मौके पर सैयदना उमर ने अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का नाम खिलाफत के लिए सबके सामने रखा। सभी ने इससे इत्तेफाक किया। अबू बकर के बारे में सैयदना उमर के ये अल्फाज हैं, अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, गार के साथी हैं, ये तमाम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे मामलात के वाली होने के हकदार हैं। खलीफा बनने के बाद सैयदना अबू बकर ने सबसे पहले उसामा बिन जैद का लश्कर रवाना फरमाया। ये लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की वजह से मरीना से बाहर मकाम जुरुफ पर ठहर गया था और फिर वफात की वजह से रवाना न हो सका था। इस मौके पर सैयदना अबू बकर ने उसामा बिन जैद से कहा कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को उनके पास छोड़ जाए क्योंकि उनके मशवरों की जरूरत पड़ेगी। उसामा बिन जैद ने खुशी से ये बात मंजूर की। अबू बकर की खिलाफत 2.25 बरस रही। तमाम अरसे में सैयदना उमर उनके खास मुशीर रहे। इस दौरान में सैयदना उमर ने सैयदना अबू बकर को मशवरा दिया कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। उन्होंने ये मशवरा इसलिए दिया कि यमामा की लड़ाई में कुरान मजीद के हाफिज बहुत से सहाबा शहीद हो गए थे। आखिर ये काम जैद बिन साबित, सैयदना उमर और बहुत से दूसरे सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की मदद से मुकम्मल हुआ। जमादियुल उला 13 हिजरी में सैयदना अबू बकर सख्त बीमार हो गए। बचने की उम्मीद न रही तो उन्होंने खिलाफत के बारे में चंद बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया। खुद उन्होंने सैयदना उमर का नाम तजवीज किया। बाद सहाबा ने इस पर कहा कि वो मिजाज के बहुत सख्त हैं। इस पर अबू बकर ने फरमाया, जब उन पर खिलाफत का बोझ पड़ेगा तो नर्म हो जाएंगे। इस तरह तमाम मुसलमानों का सैयदना उमर की हिस्सा किया। बाद सहाबा ने इस पर कहा कि वो मिजाज के बहुत सख्त हैं। इस पर अबू बकर ने फरमाया, जब उन पर खिलाफत का बोझ पड़ेगा तो नर्म हो जाएंगे। इस तरह तमाम मुसलमानों का सैयदना उमर की खिलाफत पर इत्तेफाक हो गया। सैयदना अबू बकर ने आखिर वक्त में सैयदना उमर को ये वसीयत की कि इराक में मुसलमान ईरानियों से लड़ रहे हैं, उनके लिए फौरन मदद भेजी जाए। इस वसीयत के बाद 22 जमादियुल उखरा को सैयदना अबू बकर ने वफात पाई। तमाम मुसलमानों ने खुशी से सैयदना उमर की बैत कर ली। इस तरह वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद बने। खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो को लश्कर का सालार मुकरर फरमाया। फुतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदायन, हुलवान, जजीरा, खुजिस्तान, नहावन, हमदान, आजरबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फारस, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दिमश्क, हिम्स, लाजिकिया, यरमूक, किनसरीन, हलब, अंताकिया और बैतुल मक़दस फतह हुए। बैतुल मक़दस की फतह का वाकया कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन मक़दस की फतह का वाकया कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दस जिसे यरूशलम भी कहा जाता है और कैसारिया। उस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला क़िबला भी यही था।
न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आए और सुलह का मुआहदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सैयदना उमर को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज न खेमे न कारे न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे, उस पर सत्तू और खजूर के दो थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी, रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। गरज इसी हालत में शहर में दाखिल हुए। ईसाइयों ने शहर आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसका नाम मस्जिद उमर रखा। ये आज भी मौजूद है और अब तक मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हिम्स को फतह कर लिया था। 17 हिजरी को रोम के बादशाह हिरकल ने हिम्स मुसलमानों से छीनने के लिए समुन्दर के रास्ते फौज भेजी। इस फौज ने हिम्स का मुहासरा कर लिया। जजीरे के लोगों ने भी हिरकल को ऐसा करने पर उकसाया था, चुनाचे जजीरे से भी 30,000 फौज आकर हिरकल की फौज से मिल गई। सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने इन हालात की इत्तिला सैयदिना उमर फारूक को भेजी तो उन्होंने उनकी मदद के लिए मजीद फौज रवाना की। दूसरी तरफ सुहैल बिन अदी की सरकर्दगी में एक फौज जजीरे की तरफ रवाना कर दी। खुद भी मदीने से चलकर दिमश्क आ गए ताकि नजदीक से तमाम हालात पर नजर रख सकें। सुहैल बिन अदी जजीरे की तरफ बढ़े तो जजीरे से हिम्स की तरफ रवाना होने वाली फौज को अपने घर की फिक्र पड़ गई। वो हिरकल की फौज का साथ छोड़कर वापस जजीरे चले गए। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद के मशवरे से शहर से निकलकर हिरकल की फौज पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई के बाद रोमियों ने बदतरीन शिकस्त खाई। 4,000 रोमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, 4,000 मारे गए और बाकी भाग निकले। इस लड़ाई के बाद फिर कभी हिरकल को शाम पर चढ़ाई की जुरत न हुई। 18 हिजरी में इराक में ताउन की वबा फैली, इसमें बड़े बड़े सहाबा फौत हो गए। चंद एक के नाम ये हैं: अबू उबैदा बिन जर्राह जो मुसलमानों की फौज के सिपासालार भी थे, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो, यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हो और कई बड़े बड़े सहाबा इस वबा में फौत हुए। दौरे फारूकी में अरब में कहत पड़ा। ऐसे में सैयदिना उमर ने रियाया की खबरगिरी में दिन रात एक कर दिया। इंसानों के लिए खुराक थी न जानवरों के लिए। सैयदिना उमर को इंसानों और जानवरों की ये बदहाली देखकर बहुत सदमा हुआ। उन्होंने बैतुल माल में जितना गल्ला था सब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। जो नकदी थी वो भी मुसलमानों में तकसीम कर दी। तमाम सूबों के हाकिमों को खत लिखे कि फौरन ज्यादा से ज्यादा गल्ला रवाना करो। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह ने शाम के इलाके से 4,000 ऊंट गले से लदे हुए भेजे। अम्र बिन आस ने मिस्र से हुए भेजे। अम्र बिन आस ने मिस्र से समुन्दर के रास्ते बहरी जहाज रवाना किए। उनमें हर जहाज पर 6,000 मन गल्ला लदा हुआ था। जब ये जहाज मदीने की करीबी बंदरगाह पर पहुंचे तो सैयदिना उमर खुद उन्हें देखने के लिए बंदरगाह पहुंचे। गल्ले को हिफाजत से रखने के लिए बंदरगाह में दो बड़े बड़े मकान बनवाए। दूसरे सूबों से भी बहुत सा गल्ला पहुंच गया। गल्ले की तकसीम का ये इंतजाम किया कि बहुत से रजिस्टर बनवाए, उनमें कहत का शिकार होने वालों के नाम दर्ज किए गए। हर एक नाम के साथ
उनकी जरूरत के मुताबिक गले की मकदार लिखी गई। फिर हर शख्स को पर्ची दी गई, उस पर सैयदना उमर की मोहर होती थी। इस पर्ची के मुताबिक उन्हें रोजाना गल्ला दिया जाता। इसके अलावा सैयदना उमर हर रोज 20 ऊंट अपने सामने ज़िबह करवाते और उनका गोश्त पकवाकर लोगों को खाना खिलाते। इस तरह हजारों आदमी रोजाना सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हों के दस्तरखान पर खाना खाते। गले के अलावा लोगों में कपड़े और खजूरें भी तकसीम की जाती। और खुद अपना ये हाल था कि उस जमाने में गोश्त, दूध और घी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। अक्सर भूखे रहते या आम लोगों के साथ खुद भी खाते। इस तरह इसका असर आपके जिस्म पर पड़ा। लोग उन्हें देखते और कहते, अगर कहत दूर न हुआ तो रियाया का गम उन्हें मार डालेगा। एक दिन एक शख्स से पानी मांगा, उसके पास शहद था, उसने वही पेश कर दिया। आपने शहद पीने से इनकार कर दिया और फरमाया, क्यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि लोग रोटी को तरस रहे थे और तू शहद खाता था तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी हुआ कि घी का बर्तन और आटे की बोरी उठवाते और जहां कहीं भूखों का मजमा नजर आता अपने खादिम की मदद से खाना तैयार करवाते और उन्हें खिलाते। देहातों में जाते, वहां ऊंट ज़िबह करते, गोश्त, आटा और कपड़े लोगों में तकसीम करते। कहत के दिनों में सख्त बेचैन रहते और दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे अमलों की वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तबाह न कर। लोगों का ख्याल इस कदर था कि फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने मुझे उसका जवाब देना होगा। वो खुद और लोग रो रो कर बारिश की दुआएं करते थे। आखिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाहु अन्हो और दूसरे मुसलमानों को लेकर निकले और निहायत आजिजी से इन अल्फाज में दुआ की, ए अल्लाह, पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले यानी नबी की दुआ के वसीले से तुझसे दुआ किया करते थे, अब हम तुझसे अपने नबी के चचा के वसीले यानी चचा की दुआ के वसीले से दुआ करते हैं कि हम पर बारिश नाजिल फरमा। अभी यह दुआ हो रही थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस बारिश ने खुश्क खेतों में जान डाल दी और कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद शाम में कैसारिया का शहर बाकी रह गया था। उस पर अभी तक रूमियों का कब्जा था। बुहैरे रूम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। ये मुहिम अमीर मुआविया के सपुर्द की गई। उन्होंने शहर को फतह किया। 80,000 रूमियों में से बहुत कम जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उस जमाने में मिस्र का मुल्क भी रूमी हुकूमत के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हो को 4,000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकौकस था। उसने बेतहाशा फौज जमा कर बुजुर्ग सहाबी जुबैर बिन अव्वाम को सालार मुकरर किया। उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकरर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रा तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं, फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है। इर्द गिर्द के तमाम इलाके आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, यह तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे।
سیدنا عمر بن عاص نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، الحمدللہ آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمر بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہ رہا ہے تو مت بہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا، یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے، اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی، اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدیداروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے، لوگ بے دھڑک شکایت کرتے، لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے، لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا، جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا، اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو۔ لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا، اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے بیسیوں لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں،
जबकि फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो रही हैं। आपके जमाने में चूंकि इस्लामी हुकूमत बहुत फैल गई थी, लगातार फतूहात की वजह से माले गनीमत भी बहुत ज्यादा आने लगा था, इसलिए आपने 15 हिजरी में बैतुल माल कायम कर दिया। उसमें ज़कात, खिराज, जिजिया, माले गनीमत वगैरह जमा होता था और मुसलमानों में तकसीम किया जाता था। यतीमों, गरीबों और बेवाओं को उसमें से वजीफे दिए जाते थे। जरूरतमंदों को कर्ज भी दिया जाता था। जंगी जरूरियात पर भी खर्च किया जाता था और खर्च के मामले में हर दर्जा एहतियात करते थे। सैयदना उस्मान ने एक दिन इन्हें चिलचिलाती धूप में भागते देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, उसको तलाश कर रहा हूँ। बहरैन से एक मरतबा मुश्क आया, ये इंतहाई कीमती खुशबू थी। उसको मुसलमानों में तकसीम करने के लिए आदमी की तलाश हुई जो ये काम अच्छी तरह कर सके। सैयदना उमर की जौजा मोहतरमा आतिका ने कहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। सैयदना उमर ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम्हारी उंगलियों पर जो मुश्क लग जाएगा वो तुम अपने कपड़ों पर लगा लोगी, इस तरह आम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे हिस्से में आएगा। एक मर्तबा बीमार हो गए, लोगों ने इलाज के तौर पर शहद तजवीज किया। बैतुल माल में शहद मौजूद था, लेकिन आपने लेना गवारा न किया। आखिर लोगों को जमा किया गया, जब सब ने इजाजत दे दी तब शहद दिया। आपने अदल व इंसाफ का बेहतरीन नमूना दुनिया को दिखाया। अल्लाह से डरने वाले काजी मुकर्रर किए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की, उन्हें हुक्म दिया कि तमाम फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक किए जाएं। कुरान और हदीस में हुक्म न मिले तो जिस राय पर आलिमों का इत्तेफाक हो उसके मुताबिक फैसला दिया जाए। उन्होंने कूफा में शुरह को काजी मुकर्रर किया, उनके फैसले बहुत मशहूर हुए, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी फैसले दे देते थे। सैयदना अली ने भी उन्हें अपने दौर में काजी के ओहदे पर कायम रखा। कबीला गस्सान के बादशाह जबला ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो हज करने के लिए आया, उसकी चादर पर एक गरीब बद्दू का पांव आ गया। उसने बद्दू को जोर से थप्पड़ दे मारा, बद्दू की नाक की हड्डी टूट गई। वो सैयदना उमर की खिदमत में हाजिर हो गया, इंसाफ का तलबगार हुआ। सैयदना उमर ने जबला को बुला भेजा, वो हाजिर हुआ तो आपने उसे कहा, तुमने इस गरीब मुसलमान से ज्यादती की है, लिहाजा बदला दो। ये गरीब तुम्हें उस जगह थप्पड़ मारेगा जिस जगह उसकी और बात है। जबला ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं गौर कर सकूं। जबला को एक दिन की मोहलत मिल गई। वो वहां से फरार होकर शाम चला गया और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। एक मर्तबा हज के मौके पर एक शख्स ने गवर्नर की शिकायत की कि उसने मुझे बेकसूर 100 कोड़े मारे हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हों ने शिकायत दुरुस्त पाई तो हुक्म दिया, तुम भी इसे 100 कोड़े मारो। एक ईसाई किसान ने शिकायत की कि उसके खेतों से मुसलमान फौज गुजरी है जिससे उसका नुकसान हुआ है। आपने बैतुल माल से उसे 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। सैयदना उमर फारूक ने आम लोगों को मना कर दिया कि वो शरीयत के किसी मसले पर अपना फैसला दें। इस काम के लिए उन्होंने फतवे जारी करने का महकमा कायम किया। फतवे देने वाले बुजुर्गों के नाम ये हैं, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना उबै बिन काब, सैयदना मुआज बिन जबल, सैयदना जैद बिन साबित, सैयदना अबू दरदा, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुम। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया। रियाया की खबरगिरी रखने के लिए रातों को गश्त लगाया करते थे। मुल्क शाम के सफर से लौट रहे थे कि एक बुढ़िया नजर आई। उससे पूछा कि बड़ी भी, उमर के बारे में कुछ मालूम है? वो बोली, हाँ, सुना है शाम गया हुआ है। अल्लाह उससे समझे, आज तक उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उसे मालूम नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, बड़ी भी, तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? बुढ़िया ने कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर रो पड़े। फिर उससे पूछा, कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर रो पड़े।
फिर उससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को माफ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 25 दीनार मिल जाएं, तो माफ कर दूंगी। आपने उसी वक्त उसे 25 दीनार दे दिए। वो खुश होकर दुआएं देने लगी, अल्लाह उमर को माफ करे, उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसका वजीफा मुकरर फरमा दिया। एक रात गश्त के दौरान में चंद बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मालूम हुआ कि बच्चे भूखे हैं और मां ने उन्हें बहलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी डालकर आग जला रखी है। आप उसी वक्त खादिम असलम के साथ बैतुल माल गए। आटा, गोश्त, घी और खजूरें निकालकर खादिम से फरमाया, ये तमाम चीजें मेरी कमर पर रख दो। असलम ने अर्ज किया, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, नहीं, क्यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। फिर सब चीजें अपनी कमर पर लाद कर लाए, खुद खाना तैयार किया, खुद चूल्हा फूंका, खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया, फिर उछलने कूदने लगे। सैयदना उमर उन्हें उछलते कूदते देखते और खुश होते रहे। औरत ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे, अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम हो, ना कि सैयदना उमर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकरर कर दिया। एक तरह सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो को साथ लिया और रात भर काफले का पहरा देते रहे। एक काफले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती, वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे मां का दूध पीते रहे, बैतुल माल से उनका वजीफा मुकरर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकरर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे, एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दाया हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। यह सुनकर सैयदना उमर रोने लगे, उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाई। एक रात गश्त के दौरान में एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने यह सुनकर कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कोई दूध में पानी न मिलाए। मां ने यह सुनकर कहा, बातें ना बना, पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर ने मां बेटी की यह गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो। दूसरे दिन उनके बारे में पता करवाया। उन्हीं लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह ये शादी हुई। बनू उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इसी खातून के नवासे थे। उन्हें अदल व इंसाफ, सादगी, परहेजगारी की वजह से दूसरा उमर कहा जाता है। उनका दौर बेहतरीन दौर हुआ। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबू की आखिरी उम्र में दीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकरर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफा बिन ईमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए।
वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए, उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भर देती। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते, उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते, रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं, शहरों में मेहमान खाने बनवाए, मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिनसे आपाशी आसान हो गई, सड़कें और पुल बनवाए, नए शहर बसाए, करीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई, हरम काबा को वसी करवाया, मस्जिद नबवी को वसी करवाया, मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया, सिक्का जारी किया, सने हिजरी कायम किया, जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया, फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मुजाहिदीन के बीवी बच्चों और गुलामों के लिए वजीफे मुकर्रर किए, फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक बाकायदा फौज जो हमेशा महाजों पर रहती थी, दूसरी रजाकार फौज, ये लोग उमूमन घरों में रहते थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें महाज पर भेजा जाता, उनकी तनख्वाहें बाकायदा फौज से कम थी। मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियां कायम की, छावनियों के साथ अस्तबल तामीर करवाए, उनमें 4000 घोड़े तैयार रहते थे, ऊंट भी मौजूद रहते, फौज खजांची, तबीब, जर्राह, गनीमत के माल का हिसाब रखने वाले, दूसरी जुबानें जानने वाले और दुश्मन की जासूसी करने वाले भी रहते थे। फौज की तालीम का भी इंतजाम किया, फौज को ये हिदायत थी कि दुश्मन से जो अहद करो उसको पूरा करो, बच्चों, औरतों, बूढ़ों और राहिबों को कत्ल न करो, माले गनीमत में खयानत न करो, आबादियों को वीरान न करो, फलदार दरख्तों को न काटो, जो लोग जंग में कैदी बना लिए जाएं उन्हें उनके करीबी रिश्तेदारों से जुदा न करो, लड़ाई में मारे जाने वालों के हाथ पांव नाक कान न काटो। कुरान और हदीस की तालीम आम कर दी। सैयदना उमर खुद बहुत बड़े फकीह थे, उन्होंने तमाम इलाकों में फकीह मुकर्रर किए, लोग उनसे दीनी मसाइल पूछते थे। उनके जमाने में इस्लाम की बहुत इशात हुई, गैर मुस्लिमों से अच्छे सलूक की वजह से भी इस्लाम बहुत तेजी से फैला, इंसाफ का दामन किसी कीमत पर नहीं छोड़ते थे। शाम में मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत पेश आई, जमीन एक यहूदी की थी, मुसलमानों ने जमीन उससे खरीदना चाही लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया, मुसलमानों ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना ली। यहूदी ने सैयदना उमर से शिकायत की, सैयदना उमर फारूक ने हुक्म दिया कि मस्जिद नाजायज तरीके से बनाई गई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, मस्जिद को गिराकर जमीन यहूदी को दे दी जाए। चुनाचे जमीन यहूदी को वापस दे दी गई, उसने उस जगह अपना मकान बना लिया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल के शहर में मौत दे। खिलाफत की 11वें साल अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों दुआएं पूरी कर दी। ज़िलहज 23 हिजरी में हज के लिए मक्का गए। आप जब हजरे अस्वद को बोसा देते तो कहते थे, ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं तेरा बोसा न लेता। ये सैयदना उमर की तौहीद का कमाल नमूना है। हज से फारिग होकर उस महीने की आखिरी तारीखों में वापस लौटे। जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया जो बहुत तवील था। इसमें लोगों को बहुत नसीहतें की। इस खुतबे में आपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया, मैं समझता हूं मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे मालूम होता था कि आइंदा होने वाले खलीफा के बारे में परेशान है। मदीने में मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था, ये ईरानी था, अच्छा कारीगर था। उसका नाम अबू लोलो फेरोज था। एक दिन सैयदना उमर से शिकायत की कि मैं दिन भर काम करके जो कुछ कमाता हूं मेरा आका उसमें से बहुत ज्यादा रकम ले लेता है।
इसमें कमी करा दें। सैयदिना उमर ने पूछा, तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा, मैं लुहार भी हूँ, बढ़ई भी हूँ और सैयदिना उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका तुमसे रोजाना कितनी रकम लेता है? उसने कहा, 2 दिरहम रोजाना। इस पर सैयदिना उमर ने फरमाया, तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा हो, उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लोलो नाराज होकर चला गया। अगले दिन अबू लोलो फज्र की नमाज से पहले मस्जिद में छुप कर बैठ गया। सैयदिना उमर लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो उसने कोने से निकलकर 2 धारी खंजर से अमीरुल मोमिनीन पर 6 वार किए और फिर सफों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता बाहर भागा, लेकिन मुसलमान और मर गया। उधर अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह खड़ा कर दिया, खुद जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने नमाज से फारिग होकर देखा, जिन मुसलमानों को अबू लोलो ने जख्मी किया था उनमें से 7 दम तोड़ चुके थे, बाकी बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे। अलबत्ता सैयदिना उमर की हालत नाजुक थी। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा, मुझे किसने मारा है? उन्होंने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लोलो ने। यह सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ से नहीं हुई जो इस्लाम का दावा करता हो। लोग उन्हें उठाकर घर लाए, दूध पिलाया गया तो वो जख्मों के रास्ते बाहर आ गया। अब सबको यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। लोग गम से निढाल हो गए, उनसे मिलने के लिए आने लगे। एक नौजवान ऐसे में मिलने आया, उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह की बिशारत से खुश हो जाएं। आप उन असहाब में से हैं जो बहुत पहले इस्लाम लाए और रसूलुल्लाह के आए और रसूलुल्लाह के साथी बने, खलीफा बनाए गए तो आपने इंसाफ से काम लिया, फिर आखिर आपको शहादत नसीब हो गई। ये सुनकर सैयदिना उमर ने फरमाया, ए भतीजे, अल्लाह करे ये चीजें मेरे गुनाहों के बराबर बराबर ही हो जाएं, मुझे कोई अजाब हो न सवाब। मतलब उनके कहने का ये था कि बस अजाब से बच जाऊं। वो नौजवान वापस जाने लगा तो सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की नजर उसकी चादर पर पड़ी जो जमीन को छू रही थी। इस नाजुक हालत में भी उन्हें शरीयत का इस कदर पास था कि फरमाया, इस नौजवान को वापस बुलाओ। उसे वापस उनके सामने लाया गया तो फरमाया, ए भतीजे, अपना तहबंद ऊंचा बांधो, इससे कपड़ा भी साफ रहेगा और तुम्हारे रब के नजदीक ये परहेजगारी की बात भी है। सैयदिना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्तबा और नेकियां बयान की तो फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया भर का सोना होता तो इससे पहले कि मैं अल्लाह के अजाब को देखूं मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता, यानी अजाब के खौफ से सारा सोना खैरात कर देता। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया, उनसे पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, 86,000 दिरहम। इस पर उन्हें कुछ हिदायत दी, आखिर में फरमाया, इस कर्ज को मेरी तरफ से अदा कर देना। इसके बाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और कहो, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है और अपने 2 साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदिना उमर के सद्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदिना उमर के सदमे में रो रही थी। उनका पैगाम सुनकर फरमाया, ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी लेकिन अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूं। सैयदिना अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर वापस आए और सैयदिना उमर को उनका जवाब बताया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर फरमाया, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर वहां ले जाना और उन्हें सलाम करके एक बार फिर अर्ज करना, उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब करता है, अगर इजाजत दे दें तो मुझे अंदर ले जाकर दफन कर देना और अगर इनकार कर दें
तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हालत जब ज्यादा नाजुक हो गई तो फरमाया, खिलाफत का हकदार उस्मान, अली, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज्यादा किसी को नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात तक इनसे खुश थे। इनमें से जिसे खलीफा चुन लिया जाए उसकी इताअत करना। फिर अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत की कि मुहाजिरीन और अंसार से अच्छा सलूक करना। को जख्मी हुए, तीन दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को वफात पाई और शहादत के दर्जे पर फायज हुए। उस वक्त उम्र 63 साल थी। जनाजा चारपाई पर रखा गया तो चारों तरफ लोग जमा हो गए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आपने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने जाने के लिए मुझे उसके शख्स नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने जाने के लिए मुझे उसके अमल आपके अमल से ज्यादा पसंद हो। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, इसलिए कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना करता था, मैं गया और अबू बकर उमर गए, मैं दाखिल हुआ और अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकर उमर निकले। जनाजा हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। हजरत अली, उस्मान, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कब्र में मैयत को उतारा और इस्लाम के इस बहुत बड़े फर्जंद को हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नसीब हो गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई शादियां की, उनसे 8 या 9 लड़के, 4 या 5 लड़कियां हुई। मशहूर बीवियों के नाम ये हैं, ज़ैनब बिनते मज़ऊम रज़ियल्लाहु अन्हा, आतिका बिनते ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ियल्लाहु अन्हा। औलाद में से हफ्सा, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और हफ्सा, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और आसिम रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत मशहूर हैं। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में शामिल होने का शरफ हासिल है। वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई। आप में अल्लाह का खौफ इंतहा को पहुंचा हुआ था, इबादत का शौक भी बेहद था। रातों को जागकर नफल पढ़ा करते थे। कुरान करीम की जिन आयात में कयामत का जिक्र है उनको पढ़ते वक्त बहुत रोते। तरावीह की नमाज को उन्होंने बाजमात कराया। उनके दौर से आज तक तरावीह बाजमात अदा की जाती है। आप में बुर्दबारी हद दर्जे की थी। दूसरों की नुक्ताचीनी को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करते थे। आपने एक वक्त में कभी दस्तरखान पर 2 सालन जमा न किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मामूल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहते थे। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा सी गुस्ताखी करता तो उसकी गर्दन उड़ाने पर तैयार हो जाते। एक बार सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत दी। सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के चंद अकवाल ये हैं, बुजुर्ग बनने के लिए इल्म हासिल करो। जो आदमी खुद को आलिम कहे वो जाहिल है, जो खुद को जन्नती कहे वो जहन्नुमी है। जिससे तुम्हें नफरत है उससे डरते रहो। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापे को गनीमत जानो। सबसे बुरी आवाजें 2 हैं, नौहा और राग यानी गाना। कम बोलना दानाई, कम खाना सेहत, कम सोना इबादत और आम लोगों से कम मिलना आफियत है।
توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے، برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے فاروق اعظم۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دہی طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی حدود پر ہو سکے۔